नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। जिला कारागार में 5 कैदियों में HIV संक्रमित पाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। आजमगढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने इसकी पुष्टि की। आपको बता दें कि सभी कैदी जिले के इटौरा स्थित जिला कारागार में बंद है। वहीं अन्य बंदियों की जांच प्रक्रिया जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी रिपोर्ट जेल प्रशासन और शासन को दे दी है। जेल में बंदियों के HIV पॉजिटिव मिलने से प्रशासन के कान खड़े हो गए हैं। जेल प्रशासन इन कैदियों की हिस्ट्री पता लगाने में लगी हुई है। दरअसल आजमगढ़ जिले के इटौरा में बनी नई हाईटेक जेल में शासन के आदेश पर बंदियों की HIV जाँच की जा रही है, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि कितने बंदी HIV संक्रमित हैं। इस समय कारागार में कुल 2500 बंदी हैं, जिसमें महिला व पुरुष बंदी शामिल हैं। बताया गया कि जेल में चल रही HIV जांच की प्रक्रिया में बंदी भाग नहीं लेना चाहते। अभी तक आधे बंदियों की जांच हो चुकी है, जिसमें कुल 5 HIV संक्रमित मिले हैं। अभी तक किसी महिला बंदी में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2500 बंदियों में से अब तक कुल 1322 बंदियों की जांच हो चुकी है, जिसमें 5 बंदी पॉजिटिव पाए गए। पांचों बंदियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। HIV होने की पुष्टि के लिए कंफर्मेशन टेस्ट की रिपोर्ट आना भी बाकी है। जेल प्रशासन इसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। फिलहाल जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, लोगों में कानाफूसी का दौर जारी है। इस बात पर चर्चा हो रही है कि आखिर इन बंदियों में HIV संक्रमण कैसे फैला। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आयन तिवारी ने बताया कि शासन के आदेश के क्रम में बंदियों की HIV जांच की जा रही है। अब तक कुल 5 मरीज HIV पॉजिटिव पाए गए। उन्हें बताया कि इन बंदियों को सामान्य बंदियों की तरह रखा गया है। CMO ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार इन बंदियों की निगरानी कर रही है। कन्फर्मेशन टेस्ट आने के बाद इसका इलाज कराया जाएगा। CMO ने कुछ मीडिया संस्थानों में 10 HIV पॉजिटिव पाए जाने की खबर को भ्रामक बताया। कहा कि स्क्रीनिंग में 5 HIV पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनके कन्फर्मेशन टेस्ट की रिपोर्ट का इंतजार है। इसकी सूचना कई मीडिया चैनल में भ्रामक रूप से फैलाई जा रही है कि जेल में बहुत सारे HIV केसेस पाए गए हैं, जो पूर्णतः गलत है। शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुसार रूटीन प्रक्रिया में HIV की जांच जो हमारे बंदी कैदी हैं उनकी कराई जा रही है। उसमें अब तक 1322 लोगों की कल तक जांच हुई थी, जिसमें से 5 लोग स्क्रीनिंग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी अभी कन्फर्मेटरी टेस्ट होना बाकी है। जब तक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता है, तब तक हम उन्हें HIV रोगी नहीं कहेंगे। मात्र केवल 5 रोगी जो है, व्यक्ति जो है, वो पॉजिटिव पाए गए। ये रूटीन है, ऐसा किसी बीमार की जांच नहीं हो रही, रूटीन में जांच होती है। शासन स्तर से प्राप्त निर्देश के अनुसार जांच हो रही है। तो केवल 5 स्क्रीनिंग में रोगी पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका कन्फर्मेटरी टेस्ट अभी होगा, उसके उपरांत ही उन्हें हम पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन इससे किसी को कोई बीमारी या फैलने की या कोई ऐसी आशंका नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है। ये हर स्वास्थ्य कैंप में या आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार कराए जाते हैं। सामान्य प्रक्रिया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, घबराने की जरूरत। सर, ये जो 5 पॉजिटिव पाए गए हैं, सर वो कहाँ के रहने वाले हैं? अभी हमको केवल फिगर उसका मिला है, डेटा 5 लोगों का। अभी उनके बारे में पूर्ण रूप से हमको डिटेल प्राप्त नहीं हुई कि कौन कैदी कहाँ के हैं, किस उम्र के हैं, किस लिंग के हैं। इसकी सूचना अगर मिलती है तो हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं। कहीं 10 कैदी पॉजिटिव नहीं पाए गए हैं, केवल 5 लोग स्क्रीनिंग में पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका अभी कन्फर्मेटरी टेस्ट होना बाकी है। उसके बाद ही हम उन्हें HIV पॉजिटिव कहेंगे, और अगर आवश्यकता होगी तो उनका पर्याप्त जो भी इलाज होगा वो सुविधा उनको मुहैया कराया जाएगा। सर, इनके देख रेख के लिए कितने डॉक्टरों को लगाया गया? हमारी पूरी पैथोलॉजी वहाँ पर डॉक्टर, जेल में 2 डॉक्टर नियुक्त हैं, और पैथोलॉजी की टीम हमारी LT की लगी हुई है, जो उनकी स्क्रीनिंग टेस्ट कर रही है। उनके द्वारा हमको रिपोर्ट प्राप्त होगी। Thank you.
अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।